अगर याद हो, मैंने कल आपको एक क्लिप भेजा था, आसमा जहांगीर साहिबा का पुराना क्लिप था, जिसमें वो जी बड़ा सा गुस्सा कर रही थी हमारी आर्मी के ऊपर। वर्ड एक्सचेंज बता रही एग्जैक्टली सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज भी हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हम जी आज बात करेंगे तारिक फतेह साहब को, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। अगर आपको आदाब सर, सर आपको अगर याद हो, मैंने कल आपको एक क्लिप भेजा था आसमा जहांगीर साहिबा का पुराना क्लिप था, जिसमें वो बड़ा सा गुस्सा कर रही थी हमारी आर्मी के ऊपर। एग्जैक्टली तो सर मैं ये समझना चाहूंगी आज आपसे कि ये पाकिस्तान बनने के बाद उसके ऊपर ये आर्मी का कब्जा कैसे हो गया, और यहाँ तक बात कैसे पहुंची कि हम कभी उस चुंगल में से निकल ही नहीं पाए कि आर्मी ही मुल्क चला रही है, एस्टेब्लिशमेंट ही सब कुछ फैसले कर रही है। शुरू से लेके अभी तक वही हाल है इमरान खान का भी, और आगे भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। जबकि आसमा जहांगीर जैसे लोग जो हैं वो कितना ज्यादा खुल के वो बात कर रही थी उस क्लिप के अंदर, वो तो क्योंकि कॉपीराइट क्लेम वगैरह का चक्कर है ना, मैं दिखा भी देती लोगों को यहाँ पे, लेकिन आई एम श्योर के लोगों ने वो देख लिया होगा, मैंने ट्विटर पे शेयर किया है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, ये बना ही था पाकिस्तान इंटरनेशनल मिलिट्री पर्सपेक्टिव के तहत। देखिए, जब बर्लिन फेल टू द रेड आर्मी, तो चर्चिल साहब का पहला डिमांड और जो उनको परेशानी थी वो ये नहीं थी कि यूरोप में अब क्या होगा। उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट मांगी थी कि ब्रिटिश इंडिया और इंडियन ओशन टेरिटरीज में इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेस वरीड अबाउट यूरोप, उनको पता था कि रेड आर्मी जिसको ये चाह रहे थे कि वो मर जाए और नाथसीज के साथ लड़के दे लिबरेटेड द डेथ कैंप्स एंड बर्लिन इटसेल्फ। तो उसके अंदर इन्होंने दे आस्क्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें आपके वाज अ लेफ्ट विंग पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडरशिप, फॉर अ प्रॉमिस टू लेट ब्रिटेन हैव मिलिट्री बेस इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया का मतलब ये जो पिशावर, गिलगित, इस टाइप का एरिया जो है इसमें, क्योंकि उनका वरी भी यही था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है, 2 मिलियन रूसी फौज अंडर आर्म्स इस वक्त तैयार बैठा। जब बर्लिन गिरा है तो उस वक्त रूस की फौज के मोस्टली जो फाइटर्स थे दे वर फ्रॉम ईस्टर्न साइबेरिया और ये कजाकिस्तान और इस साइड की फौजें थी, क्योंकि बाकी 30 मिलियन डेथ आप समझिए क्या, और इनके पास कुछ भी नहीं था। ब्रिटेन के पास जो था भी इंडिया में, जो वक्खन पेनिनसुला से बिल्कुल नीचे आता है, एक फैक्टर था कि किंग जाहिर शाह who was pro-Soviet and pro-Congress. He was the ruler of Afghanistan. NWFP, पश्तूनों का एरिया था, उस पर गवर्नमेंट थी आपकी खुदाई खिदमतकार बाबा अपने गफार खान की, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। उसको इलेक्ट नहीं हुई थी, 46 में इलेक्ट हुई थी, बट सबको पता था कि यहाँ जिना साहब का कोई बिकता उकता माल नहीं है, और वैसे तो ना ही पंजाब में, वहां पे भी मुस्लिम लीग हारी थी। तो इस सिचुएशन के अंदर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि यू कैन नॉट हैव अ बेस ओवर देयर, वी नॉट अलाउ, मिस्टर जिना वाज देन अप्रोच्ड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द मुस्लिम लीग गारंटीड दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस वी विल हैव, वी विल परमिट अ मिलिट्री बेस फॉर द वेस्ट इन दैट एरिया। अगर लोगों को ये समझ रहा है कि मैं कंस्पिरेसी थ्योरी बता रहा हूँ, नो, दिस इज ऑल फ्रॉम द ब्रिटिश
लंदन में जो लाइब्रेरी है उसके डॉक्यूमेंट्स अपने निरुला साहब ने अपनी किताब में प्रेजेंट किए। जैसे ही आजादी मिलती है वो सब, अब जरा उसके एक दो दिन बाद देखिए क्या ये अपनी नॉर्थ वेस्ट के अंदर बियारबेट जगह है, वहां मिलिट्री बेस देते हैं अपने वेस्टर्न उसको। ये वही जगह है जहां U2 के स्पाई प्लेन्स उड़ के रूस के ऊपर स्पाइंग करते थे, और अगर आपने देखना है इसको गूगल कर लें तो गैरी पावर्स था पायलट हु वाज शॉट डाउन, एंड उसका ट्रायल भी पब्लिक हुआ था मॉस्को में, जिसपे क्रुश्चेव ने कहा था कि आई विल फ्लैटन पिशावर इफ दिस हैपेंस अगेन। बट द डील जो थी वो थी कि पाकिस्तान इंडियन आर्मी जो इंडिया में थी उसके लोकल सोल्जर्स में और ऑफिसर्स में आपके पाकिस्तान का हिस्सा बहुत ज्यादा था। हिंदुस्तान में अगर से 15-20% लोग इंडियन आर्मी में थे, और काफी लोग इंडिया के नेताजी की आर्मी में थे जो इंडियन नेशनल आर्मी INA जिसे कहते हैं उसके थे। तो पाकिस्तान का पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को अपने प्रोपोर्शन से बहुत ज्यादा फौज मिली। फौज के साथ फिर वो पैसा रिलीज हुआ जो गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी कि पाकिस्तान का इतना पैसा पाकिस्तान के हवाले किया जाए। वो पैसा हवाले करने के बाद एक हफ्ते के अंदर कश्मीर जम्मू स्टेट पे पाकिस्तान के यूनिफॉर्म एंड ट्राइब्समैन ने इन्वेड किया, जिसके अंदर कैप्टन ब्राउन जो थे आपके गिलगित के, उन्होंने तो वैसे ही उठा के पेशावर के कर्नल को हवाले कर दिया पूरा गिलगित बल्तिस्तान। एंड सो द आर्मी बिकेम द डोमिनेंट फैक्टर इन इन पाकिस्तान इन डिसीजन मेकिंग। उसके नतीजे और देखिए कि पाकिस्तान का जो लॉ मिनिस्टर था वो बंगाली हिंदू था। जब ये सिलसिला जंग का शुरू हुआ तो आपने अपने लॉ मिनिस्टर को कैबिनेट मीटिंग से निकाल दिया कि ये टॉप सीक्रेट बातें होनी है, एंड सिंस यू आर अ हिंदू यू कैनॉट सिट इन दिस मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर था जो लियाकत अली खान, ही वॉज नॉट चेयरिंग हिज ओन कैबिनेट, मीटिंग्स वुड बी चेयर्ड बाय द गवर्नर जनरल हु वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द king at that time was Muhammad Ali Jinnah. So the structure established hua Pakistan ka wo parliament se nahi hua. Liaquat Ali Khan was not elected from any parliament, he became prime minister. Jo elected the Hussain Shahid Sohrawardi, he was banned from entering Pakistan. Jo Sindh ke andar problem tha wo khair alag case hai, Allah Bakhshumro aur GM Sayyed aur in sab ka, जो लोग आके बैठे और जिन्होंने कराची को पाकिस्तान का कैपिटल बनाया वो थे आपके माशाल्लाह यूपी बिहार लखनऊ दिल्ली मध्य प्रदेश सीपी बिरार भोपाल, यहाँ के लोग उन्होंने आके पूरी कंट्री की नेशनल लैंग्वेज कर दी उर्दू। आप मुझे बताइए पूरे पाकिस्तान में Who is going to rule? जिसको उर्दू नहीं आती है ना बोलने में ना लिखने में वो तो आउट हुआ ना। बाकी कौन बचा? लियाकत अली खान और फौज के वो लोग जो अंग्रेजी पढ़ के आए थे। इसमें फौज का अहम पार्ट शुरू होता है कि लीगल जो लीगल रास्ता है कि प्राइम मिनिस्टर विल चेयर हिज कैबिनेट, जिना टोल्ड हिम यू नो जाओ एफ यू खत्म। लॉ मिनिस्टर रन्स अवे फ्रॉम पाकिस्तान टेक्स रेफ्यूज इन कलकत्ता। ऑपोजिशन असेंबली में सिर्फ सरदार शौकत हयात और खान अब्दुल गफ्फार खान, टू पीपल, द रेस्ट आर ऑल पार्ट ऑफ दैट एस्टेब्लिशमेंट। इतने में जिना साहब ये भी कर रहे हैं के दौलताना को बुला के बार बार कह रहे हैं कि ममदोट की पंजाब में गवर्नमेंट डिसॉल्व करो,
घोड़ों की गवर्नमेंट जो थी उसको डिसॉल्व करवा दिया, तो स्ट्रक्चर क्या बना? स्ट्रक्चर बिकेम के एग्जीक्यूटिव पावर राइट एट द टॉप विच इज नॉट गोइंग थ्रू पार्लियामेंट्री प्रोसेस बिकम्स द लॉ. वेरी सून इन अक्टूबर 1947 आपके सुबह सरद में बाबड़ा के अंदर शूटिंग होती है, इसमें 450 लोग दरिया में डूब के गोलियों से मर जाते हैं और उनके घर वालों को बिल जाता है कि गोलियों के पैसे आते हैं. ये भी किसी लॉ के तहत नहीं है, ये फ्रंटियर ऑर्डिनेंस जो जिना साहब ने अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से पास किया. पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कि हमारे कनाडा में तो ऐसा नहीं होता कि कानून पहले इम्पोज कर दिया जाता है एज एन ऑर्डिनेंस, और फिर इस ऑर्डिनेंस के तहत जब तक कानून ना बने, पार्लियामेंट में डिबेट ना हो, वो कानून सेट हो जाता है. तो इस आप देखिए कि पाकिस्तान के छूटते के साथ ही खून रेजी शुरू हो गई. विद इन डेज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ फंड्स जम्मू कश्मीर वॉज अटैक, खुदाई खिदमतकार वॉज स्लॉटर्ड, और बाय मार्च 1948 बलूचिस्तान वॉज इन्वेडेड बाय द पाकिस्तान आर्मी, एंड बलूचिस्तान विच वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री एट दैट टाइम वॉज ऑक्यूपाइड बाय द पाकिस्तान आर्मी. तो पाकिस्तान आर्मी तो बैठी है आपके सारे क्रूशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. ये सब करने के बाद वो आराम से बैठ जाते हैं अपनी कुर्सियों में, एंड दे स्टार्ट सेटिंग अप दिस कोर ऑफ. बाय द वे देयर वर जस्ट 8 जनरल्स एट दैट टाइम इन पाकिस्तान, ओनली 8, एंड दे स्टार्टेड डिप्लॉइंग देमसेल्व्स. Not, I don't think they ever thought कि हम हुकूमत करेंगे पाकिस्तान में, but they became the self-anointed, appointed spiritual guardians of the Pakistan philosophy, whereas they had fought for the British. They were part of the British colonial rule. 1946 में कराची में बगावत होती है नेवी की, ब्रिटिश नेवी की, जिसको INA रिवोल्ट कहते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी. ये अपने सुभाष चंद्र बोस की जो के ट्रायल चल रहे थे उसमें बॉम्बे और कराची में नेवी का रिवोल्ट होता. आप मुझे बताइए कि उस रिवोल्ट में 46 में कौन किसके साइड पे था? आपके सारे फौजी तो उस साइड पे थे कि ये जो जिन्होंने रिवोल्ट किया अंग्रेज के खिलाफ इनको सजा दी जाए. तो यू सडनली, इसीलिए पाकिस्तान में आप जितना पढ़ लें आपको INA रिवोल्ट ऑफ 1946 का जिक्र ही नहीं है, क्योंकि वो किमाड़ी मनोड़ा और ये इन इलाकों के अंदर फाइटिंग हुई थी. टावर तक आए थे ये नेवी के रिक्रूट्स, फिर वहां से एक ब्रिटिश ऑफिसर के ऑर्डर पे दे डिड एन अबाउट टर्न एंड वेंट बैक टू किमाड़ी एंड फ्रॉम देयर टू मनोड़ा. ये सब इनिशियल जो वाकई हुए इसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आर्मी की बढ़ती जा रही है. फिर एक मौलवी तमीजुद्दीन थे, तो स्पीकर थे पार्लियामेंट के. आप देखिए पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं हो रहा, 52 के अंदर जब ईस्ट पाकिस्तान की असेंबली का इलेक्शन होता है तो आउट ऑफ द फ्यू हंड्रेड सीट्स द मुस्लिम लीग विंस ओनली 2. जो गवर्नमेंट बनाती है इस पाकिस्तान में उसका नाम है जट्टू फ्रंट. तो ये जो आपने, और वहां पे भी एक जनरल आजम खान थे, वो वाज इमेंसली पॉपुलर अमंग्स, ये लोग कहते हैं ना कि बगदादी तो होता है सरदार है, और ये जनरल आजम एंड लेटर फातिमा जिना वर फेवरेट्स ऑफ द बंगला स्पीकिंग मुस्लिम इन पाकिस्तान. हु वाज विद द आर्मी वाज आवर पंजाबी एंड आवर वंडरफुल उर्दू स्पीकिंग. हमने बनाया पाकिस्तान, हमने बनाया, हमने कुर्बानी दी है. ये क्या, यहाँ तो सिंधियों को तो कुछ आता भी नहीं. आप रेसिज्म 1950s की सुने कि सिंधियों और बलोचों के बारे में क्या कहा जाता था कराची शहर में, या पारसियों के बारे में कुछ नहीं. बोले इनको बात नहीं करनी आती पारसियों को. कराची वॉज क्लेंज्ड आउट ऑफ एवरी ज़ोरास्ट्रियन. यहाँ यहूदी जो रहते थे उनको भगाया गया. अरे भैया हम आए, मतलब लखनऊ से आए, ये हमारा कैपिटल है, हम उर्दू बोलेंगे.
ओनली 5% ऑफ पाकिस्तानी स्पोक उर्दू. फौज का ये रोल था कि वो उनकी बाप की जबान बोलता था इंग्लिश. इस महावर्तन में भी चीज बड़ी अच्छी है, उसको कहते हैं ना इंग्लिश, एकदम पराठे इंग्लिश. सो वी एंडेड अप इन अ सिचुएशन जहां फौज ही उसको पूरा कर सकती है. हमें सलाउद्दीन अयूबी से प्यार, हमें तैमूर से, बाबर से, हमारा हर हीरो फौजी. हमने बुल्ले शाह को तो नहीं कहा कि ये हमारा हीरो है, ना अपने सिंध के अंदर किसी को किसी से प्यार किया. हमारा हर हीरो फौजी है. अब्दाली ने आके लोग जला दिया, हमने क्या किया? हमने तो डॉक्टर अब्दुल सलाम को भी नहीं अपना माना, हमने तो उनको भी भगा दिया था. वो तो खैर मुसलमान ही नहीं थे ना, समझा करें ना, ईमान ठीक नहीं था, भगा दिया उनको जंग से. एक तो उनको ये नहीं समझ, पहले तो उनको ये समझ में नहीं आया कि जंग में कैसे आदमी पैदा हो गया इतना समझदार. रेसिज्म अगेंस्ट पीपल ऑफ स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स, आल्सो यू कैन नॉट इमेजिन. वो हमें डंगर समझते थे, पंजाबी हो या पश्तून हो. सिर्फ एक कैटेगरी रूल करती थी जो उर्दू बोलती थी, और दूसरी कैटेगरी जो उर्दू पे नाचती थी वो थी फौज, क्योंकि वो इंग्लिश बोलती थी. और जबानों में इम्तियाज जो है, अल्लाह मियाँ इंग्लिश बोलते हैं, उसके बाद थोड़े बहुत अरबी बोलते हैं, तुर्की, कुछ ईरानी, और बाकी जो गटर में रह जाती जबान है उसमें पंजाबी, सिंधी, बलोची, ये सब छेखड़ी मेघड़ी ये जबानें आ जाती हैं. वी आर चिल्ड्रन ऑफ दैट कल्चर के वी हेट आर एग्जिस्टेंस. हम ये तक नहीं मानते कि हम हिंदुस्तानी हैं. लेकिन लेकिन सर, ये अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक, ये डैमेजेस करते चले गए, लोगों को नजर नहीं आया कि ये लोग क्या नुकसान कर रहे. रेफरेंडम जो था जियाउल हक का, कि वो किस तरह का था, जो मैंने पहले सुन रखा है. करें ना, जियाउल हक को भूल जाए. प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान में आज पाकिस्तान शुरू होता है जियाउल हक के जमाने से. आप किसी से पूछिए 1950s में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नोबडी कैन टेल. किसी पूछे फिरोज खान नून कौन थे, कहने नून आफ्टरनून या मॉर्निंग नून, अच्छा फिरोज खान पीएमएल नून. वो उसने कहा नेहरू ने कि मेरी इतनी धोतियां नहीं है, मेरी धोतियां से ज्यादा पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर्स है. बट आई कैन अश्योर यू देयर इज नो वे पाकिस्तानीज नो अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स दैट वर टॉपल्ड रिपीटेडली. Every few months there would be a new prime minister. आपको याद होगा सोहरावर्दी, the man who should have been prime minister of Pakistan, became the prime minister during 1956. और वो idiot ने क्या किया कि जब इज़राइल और अरब countries की war 56 की हुई, he supported the Israelis and उसमें फंस गया पाकिस्तान. That's a separate issue. Point जो आपका है कि जब आप यू सेट अ सेट ऑफ रूल्स कि भाई अगर गजरेला बनाना है तो उसमें गाजर होनी चाहिए, खोया होना चाहिए, थोड़ा घी, शक्कर भी हो, ये भी ना कि गुड़ का पिला दे किसी को. ये सब इंग्रेडिएंट्स आपको सिर्फ फौज में मिलते हैं. पंजाबी डफर है, वो तो खैर खुद पंजाबी अपने आप को डफर कह के कहता है, यार हम क्या करें, हम तो पंजाबी हैं, मैं हमारी तो मालिक हुई बेकार है. सिंधी जो है वो जीएम सैयद के चक्कर में फंस गया. अल्लाह बख्श सुमरो का कत्ल हुआ, जीएम सैयद वाज द प्राइम मिनिस्टर, वाज द चीफ मिनिस्टर. उनको झूठ बोला गया कि 1940 के रेजोल्यूशन के तहत सिंध विल जॉइन पाकिस्तान. ही एग्रीड एंड देन दे चीटेड हिम. फ्रंटियर के अंदर तो खैर भगा के ले गए सबको. गफार खान जेल में गया, उसके निकला ही नहीं. 1975 में ही केम आउट ऑफ प्रिजन. तो जब इन हालात में हु इज गोइंग टू फिल द वैक्यूम? वैक्यूम इज ऑलवेज फिल्ड बाय समथिंग दैट विल ऑक्यूपाई द स्पेस. वंस द वैक्यूम इज ब्रोकन, इट हैज टू बाय लॉज ऑफ साइंस. तो आपकी किस्मतें जो ऊपर लिखी गई थी उसमें था कि ये लोग, अल्लाह ताला, ये लोग इससे खारिज हैं. ये बिलीव करते हैं कि घोड़ा उड़ सकता है, ये बिलीव करते हैं कि सूरज कीचड़ में जाके डूबता है, ये बिलीव करते हैं कि दियोबंद के अंदर इस्लाम पैदा हुआ है, मक्का में नहीं पैदा हुआ.
जब आपके यहाँ डफरिस्तान बनाने के बजाय पाकिस्तान बनेगा तो बेचारे डफर कहाँ जाएंगे। उसी का जिक्र किया था कि ये पाकिस्तान फौज के जनरल्स डफर्स होते हैं। शी वॉज अ वेरी ब्रेव वुमन एंड इनके फादर भी इसी तरह थे। आई मेट हर व्हेन शी वॉज आउट। मैं पाकिस्तान 78 में छोड़ के चला गया था, बट आई यूज्ड टू मीट हर इन जिनीवा एट द यूएन वेयर शी वॉज अ रैपोर्टेर ऑन द राइट्स ऑफ पीपल इन ईरान एंड शी वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेड इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, बट शी डिड नॉट गेट द रिस्पेक्ट फ्रॉम हर वेरी ओन पीपल। जब उनके फादर को जेल में रखा गया अयूब खान ने, तब भी किसी ने साथ नहीं दिया। जब वो उन पर परसिक्यूशन आई, उस वक्त भी नहीं किया। जब वो सच बोली तो माओ ने कहा बच्चों को कि झूठ बोलो। जो बात पते की है स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन के आर्मी के अगेंस्ट करे, उसको आप ये सोचिए कि वो शख्स जिसने अयूब खान को डैडी कहता था 1958 के अंदर मिलिट्री कू करके 1959 का इलेक्शन कैंसिल करवाया, उसका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, जिसको पंजाबी के जुल्फिकार अली पट्टू हैं। वो आदमी जिसने पाकिस्तान को तोड़ा 71 में, उसने कहा शेख मुजीब को कि बंद करो इसको, एंड देन ही लैंडेड इन कराची एंड सेड ऑन मार्च 26, जिस दिन ढाका यूनिवर्सिटी में स्लॉटर पहला हुआ, कि थैंक गॉड पाकिस्तान हैज बीन सेव। और हम पाकिस्तानियों ने क्या किया? ने कहा ये आदमी बड़ा ठीक है, इसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। नॉट रियलाइजिंग दैट टिल 1968 मिस्टर भुट्टो वाज द राइट हैंड मैन ऑफ अयूब खान। डैडी कहता था ये अयूब खान को, बिल्कुल। तो आज किसी पीपीपी वाले को पता है कि पाकिस्तान तबाह होने में जुल्फिकार अली भुट्टो का हाथ क्या था? ये सारे आपके लेफ्टिस्ट भी उसी में ज्वाइन किए हुए थे। मुझे वो आपकी ये इस बात से वो पीपल्स पार्टी वाले याद आ गए कि आज वो जब कहना चाहिए वोटिंग हो रही थी सेनेट में कि जी आईएमएफ के हवाले जो है स्टेट बैंक करना है पाकिस्तान का, तो यूसुफ रजा गिलानी गायब हो गए, उन्होंने वोट ही नहीं किया, उसकी वजह से वो बिल पास हो गया। तो पीपल्स पार्टी आज भी वैसा ही है। देखे when you statements are based on lies, आप 1965 की वॉर में जाते हैं, ताशकंद डिक्लेरेशन साइन करके वहां से आ जाते हैं, और फिर यहाँ जब जूते पड़ते हैं और शास्त्री साहब की डेथ हो जाती है, एक कंफ्यूजन फैला हुआ है, तो आप सडनली रियलाइज करते हैं कि 65 की वॉर के बाद द पीपल आर नॉट बिलीविंग व्हाट अयूब खान इज सेइंग। द सेम मैन हु केम विद अयूब खान एज अ डिक्टेटर and with him in the 1962 constitution, in the 1965 fraudulent criminal war against India through Pakistani Kashmir, he changed sides. And do you know uska kya wajah thi? Usne kaha Tashkent mein jo secret ne agreement sign kiya, main bataunga, main baitha hua tha. 1967-68 के अंदर भुट्टो साहब का एक ही काम था कि ताशकंद में क्या हुआ वो मैं बताऊंगा, और आपके पंजाबियों ने क्या किया? ओ जी दस देगा ताशकंद बहुत खराब हो गया, असि तो जंग जीत रहे सा, असि तो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। अयूब खान ने बिट्रे किया द मैन, एंड आपको तो पता है आप पंजाब में रह चुकी हैं, मैं भी पंजाबी हूं, हमें डफरिस्तान या डफर कहने में गुंजाइश ऐसे हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हम हैं, हम अपनी जबान से शर्मिंदा, अपनी माओ से शर्मिंदा, अपने हिंदुस्तान होने पे शर्मिंदा। हम तो कहते हैं हम हैं नहीं हिंदुस्तानी, हम पता नहीं तैमूर के किसी गधे के ऊपर बैठे हुए थे साथ, वो यहाँ हम छोड़ के चला गया यार बदतमीज, सैयद सारे वहां ले गया, हम यहाँ रह गए चौधरी। ये आप देखिए कि दिस फ्रॉड टेक्स प्लेस एंड द मैन गेट्स इलेक्टेड। बाय द वे दैट इलेक्शन वाज 1970, दैट इलेक्शन वाज नॉट आफ्टर द वॉर। इलेक्शन के अंदर भुट्टो साहब लॉस्ट द इलेक्शन, शेख मुजीब को बंद करने के बाद ईस्ट पाकिस्तान में बाय इलेक्शंस होते थे, जिसको हम प्रेस में कहते थे बाय बाय इलेक्शंस। आपकी पाकिस्तान की तारीख की किताबों में उस इलेक्शन का जिक्र नहीं है जिसमें पीपल्स पार्टी एंड जमात इस्लामी वर एलाइज
आपके जनरल याया खान ने कोई 150 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को डिसमिस किया एडमिनिस्ट्रेटर्स, और उसमें इलेक्ट हुए पीपीपी के लोग और जमात इस्लामी के। आप किसी पीपीपी वाले से पूछिए कि वो जो बाय बाय इलेक्शन में आपके पीपीपी पार्टी के एमपी थे उनके लिस्ट है नाम आपके पास, उनको ये भी नहीं पता होगा कि वहां बाय इलेक्शन हुआ था। सो पीपल हैव शॉर्ट मेमोरीज, ऑल दे कैन डू इज किल कैमल्स और गोट्स ऑन बकरा ईद, हु अब टेक प्राइड इन ब्रिंगिंग द चिल्ड्रन टू स्लॉटर अ काउ, एंड who are more concerned about Palestine and don't even know anything ke Balochistan mein kya ho raha, ya PM members parliament hai unko kyun bahar rakha hua, PTM ka nahi pata hoga most ko, wo ab ek chakkar chala hai ke wo Altaf Hussain ne sahi baat ki ke we are Sindhis, to ek nayi movement chal padi hai ke nahi Mahajristan hona chahiye, ये कौन कर रहा है? क्योंकि आपके दिमाग में टर्माइट्स घुस गए हैं। एक होता है पैरासाइट जो किसी और से, और एक होता है टर्माइट जो उसमें बुनियादों में चिपक जाता है। हमारी बुनियादों में टर्माइट है और हमारे दिमागों में है पैरासाइट, लेकिन नहीं सोच सकते, इसीलिए हम अजीब अजीब हरकतें भी करते हैं। लेकिन सर साथ ही उन्होंने ये भी कहा था आसमान जहांगीर साहिबा की जो क्लिप थी वो कह रही थी कि खाओ पियो पार्टी अब छोड़ दो हमारा पीछा, तो ये जनरल सी बात वो कर रही, उन्होंने कहा मैं आम सिपाहियों की बात नहीं कर रही, मैं आम फौजियों की बात नहीं कर रही, जो बेचारे बॉर्डर पे खड़े होते हैं, उन्होंने वो भी क्लियर किया था। लेकिन लोगों को, लेकिन सर लोगों को नजर नहीं आता कि ये किस तरह से मुल्क को लूट रहे हैं, किस तरह से इनके कॉर्नर के प्लॉट, इनके डीएचए, इनके बाहर प्रॉपर्टीज, और ये सब कुछ करते करते वही जैसे मैंने कहा शुरू से पाकिस्तान बनने से लेके और आज तक वही चला आ रहा है, चाहे वो आसिम सलीम बाजवा हो या कोई हो, किसी से कोई पूछने की हिम्मत नहीं है। इनका वक्त पूरा हो गया है। एक चीज होती है टॉर्क और इनर्शिया इन साइंटिफिक मटीरियल का, आप उसको किसी हद तक यू कैन बेंड इट और ट्विस्ट इट, फिर उसका होता है ब्रेकिंग पॉइंट। आप पाकिस्तान में इस वक्त, मैंने कभी सिंध के अंदर नहीं सुना था सिंधु देश मूवमेंट आजादी की, हमारे कुछ दोस्त जामसाकी वगैरह कहते थे वी डिडंट टेक हिम सीरियसली कि ये बात है, देयर इज वाइड स्प्रेड एंगर कि ये किस रास्ते पे जा रहा है ये मुल्क, कि लोग बच्चों को उठा के फेंक देते हैं। अभी फिर कराची के अंदर कुछ तमाशा भी नहीं हुई है, फौज आ जाती है, कोई रेंजर्स, नाम तो देखिए ना इनके, रेंजर्स, ये कोई लोन रेंजर है, वो कीमो से भी वो लोन रेंजर की कॉमिक्स नहीं होती है, वहां से नाम लिया भाई रेंजर्स। अरे भाई ये कराची शहर है, ये वाइल्ड वेस्ट नहीं है, ये एरिजोना और कैलिफोर्निया नहीं है जो तुम लोन रेंजर भाग रहे हो अपना वो काला मास्क पहन के। बुरी हालत है, ये टूटेगा अपनी सेल्फ डिफाइंड फोर्स से, क्योंकि नोबडी कैन सर्वाइव द लॉज ऑफ फिजिक्स, नोबडी कैन डिफाई देम, एंड वंस यू आर ट्विस्टिंग दिस कंट्री इनटू द, देखिए ना आपने फैक्ट्री बनाई है दुनिया भर में जाहिलों को पैदा करने की, आपके यहां तो मलाला यूसुफ से जैसी लड़की जिस पे लोग भरोसा करने लग गए, पता चला वो तो एम्बेसी के लिए काम कर रही थी भाई, कोई है ही नहीं जो कैरेक्टर शो करे। आपके यहां कोई इंस्टीट्यूशन नहीं जिसमें सच का वर्ड हो, ट्रुथफुलनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी लॉ ऑफ पाकिस्तान और एनी कॉन्स्टिट्यूशन, सच से हमारा ताल्लुक नहीं है, झूठे हैं हम, लाहौर बैठे हुए हैं ये भी नहीं पता कि वो राम के बेटे का शहर है, और सर ऊपर से टेक्स्ट बुक्स में भी झूठी लिखा हुआ है। लेकिन सर अभी इन्होंने जो IMF के हवाले कर दिया है स्टेट बैंक, दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि किसी मुल्क का स्टेट बैंक उठा के IMF को या किसी भी दूसरे मुल्क के इदारे को दे दिया जाए? मतलब ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये तो मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि आखिर इनको हुआ क्या है। मैं अब क्या बोलूं आपको, आपकी बादशाही मस्जिद के साए के नीचे क्या होता है, ये वो एक्सेप्टेबल है तो बाकी ये बैंक कौन ले गया इसकी क्या बात है। व्हेन यू एसोसिएट द रेड लाइट एरिया विद योर ग्रेटेस्ट मॉस्क इन द शैडोज, यानी इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, हु वुड थिंक ऑफ इट,
पंजाबी तो ऐसे सोच सकता है ना, लेकिन ये गल दो नफिल पढ़ के ठीक हो जाता है बंदा, ये ऑटो वॉश पायलट पे कहीं लगा हुआ है, इसका दिमाग ठीक हो जाता है। अल्लाह अल्लाह मियां अरबी बोलते हैं, पता नहीं इनके तहत तो पंजाबी जबान ही नहीं है, तो ये अपने आप से शर्मिंदा रहते हैं। एंड दे मेड अ हॉरर। इसमें जब तक हम कैटेगराइज नहीं करेंगे, खुल के नहीं बोलेंगे कि यू आर द रूलर्स, यू हैव बिट्रेड पाकिस्तान, यू बिट्रेड पंजाब व्हेन इंडिया वाज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश, यू नेवर फॉट फॉर फ्रीडम, ये कोई कहने वाला ही नहीं है। पूरे गदर 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आप किसी पूछिए कि लाहौर में कुछ हुआ था, बोला पराठे खाप, मैं अनारकली के पराठे खाप, जूस बड़ा अच्छा मिलता। अरे गदर में क्या किया लाहौर ने, ओ वो अंग्रेज आए थे, हमने उनको कुछ फौजी वौजी दे दी। द ओनली पार्ट ऑफ इंडिया दैट सपोर्टेड द ब्रिटिश वाज द पंजाब, पंजाबी। अच्छा, मेरी एक रिटायर्ड हमारे फौज के हैं ब्रिगेडियर साहब, उनसे बात हुई, मैंने उनसे कहा, 71 का मैंने जिक्र किया उनसे कि जी इस तरह से हुआ, कहा कि नस्लें बदल देंगे और वहां पे रेप हुए। वो कहने लगे नहीं, वो तो इंडियन आर्मी थी जो पाकिस्तानी आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के सब कुछ कर रही थी हमारा नाम खराब करने के लिए। वो हम पंजाबी में कहते हैं सदके जावा। इतने झूठे लोग हैं ये, ब्रिगेडियर बना इसलिए होगा, झूठ कर टेस्ट नहीं होते थे पहले फॉर्म ISSB के, हर 15 साल का बच्चा कहता था मैं ऑफिसर बन जाऊं। तो ये बेचारे, इनको कुछ नहीं पता। जिन मिलिट्री जैसे एबटाबाद में था, क्या कहते हैं कैंप क्लब्स होते हैं इनके मिलिट्री के, जहां लाइब्रेरीज होती थी, जहां थोड़ी बहुत दारू शारू पी के कुछ पढ़ भी लेता था फौजी अफसर, वहां आपको अगर किसी मौलवी की वो सिखाई जा रही है, आपकी मूछें ट्रिम की जा रही हो कि ऐसी शक्ल लगनी है और मुसलमान ऐसे था और अल्तमश क्यों था वो था, अरे भाई मशीन गन की गोली तुम्हारे यहाँ नहीं बनती, जो कि उसमें पैसे खा जाते हो। 100 ट्रक जाते थे, 1 ट्रक तालिबान को बेच देते थे अमरीकों का, उनको नहीं पता था। एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ the Pakistani Punjabi and his Urdu speaking charming inspiration has to lie. Anytime you tell the truth, everybody suspects you of being somebody nasty. आप कभी सच बोल के देखिए, आप पे शक करेंगे लोग। हम आदतन झूठे हैं, हरकतन तो है ही हैं। हम इसका मैप लैंड ग्रैबिंग जो है कराची में, मैं किसी को बता रहा था, बोले व्हाट इज दिस लैंड ग्रैब इन पाकिस्तान, दिस इज हाईली सोफिस्टिकेटेड साइंस वेयर द अर्थ मूव्स। नहीं, मेरी वही बात हुई तो मैंने, मुझे कहने लगे कि तुम इंडियन टीवी पे जाके क्या बोल रही होती हो, तो मैंने कहा सर मैं झूठ तो नहीं बोल रही होती, सच बोल रही होती हूँ ना, क्यों बोल रही होती हो, सच क्यों बोल रही होती हो, मुझे ये कह रहा है इतराज इस पे, मतलब पहली बार हमने देखा है कि हमें ये कहा जाए कि तुम सच क्यों बोल रहे हो। हाँ, सच बोलने में खतरा है। वो तकैया जो था ना, शियों को अपनी जान बचाने के लिए इजाजत थी कि वो सुन्नी जिंदा नहीं छोड़ते थे, ये हिंदुस्तान को आप थैंक यू कहें कि शिया मुसलमानों को वाहिद दुनिया में जगह थी जब पनाह मिली वो हिंदुस्तान था। तो वो जो इंस्टीट्यूशन था ना तकैया का, कि जान देने से पहले बेहतर है तुम चुप करके सहलो और कहो कि हाँ मैं सुन्नी हूं। भाई आपने गुंजाइश नहीं रखी थी जिंदा रहने के लिए, हर एक को तो आप मार रहे थे, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में शिया कहीं रह नहीं सकता। तो वो इजाजत थी, उसको इन्होंने कहा यार इसको जरा वो करते हैं कुछ, इसका वर्जन 2.0 बनाते हैं, उसमें पूरा पाकिस्तान तकैया कर रहा है, जिसको चीन को झूठ बोल देता है, सऊदी अरेबिया को झूठ बोल रहा है, ईरान का मजाक उड़ा रहा है, इसका पैसा उसको दे रहा, ये बेगर कैंप है, आप बनाएं। और लेकिन सर मैं लास्ट में यही पूछना चाहूंगी कि जैसे आप कह रहे हैं ये बेगर कैंप है और यहाँ पे इतना बुरा हाल है, तो ये मैं लास्ट में पूछना चाह रही हूँ कि ये मिलिट्री का किया धरा है या जो हमारी बाकी गवर्नमेंट्स आई है, कोई प्राइम मिनिस्टर सदर, या फिर आप समझते हैं कि ये सबके पीछे जो फौजी हुक्मरान आते रहे ये हाल उन्होंने किया? यू कैनॉट ब्लेम जस्ट द आर्मी,
इट इज द मिलिट्री स्टेट ऑफ माइंड. आर्मी आपसे कहती है कि आप बाबर की खुशियां मनाएं कि अब्दाली नाम का मिसाइल रख के. आर्मी ने कहा आपको, ये तो खुद आप खुश हैं लाहौर वाले साडा मिसाइल दी नाम अब्दाली. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? वी आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमें सच बोलना ही नहीं आता. इतनी ज्यादती, एक इतना मॉडर्न प्रोग्रेसिव मुल्क था. When I was 6-7 years old, मैं लाहौर आता था कराची में. It was remarkable. मेरी वाइफ ने एक दफा ऐसे लिखा था कि इससे ज्यादा फॉर्चुनेट मुल्क कौन सा हो सकता है जिसका बॉर्डर चाइना, बर्मा, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, इंडियन ओशन और आइडियोलॉजिकली सऊदी अरेबिया एंड द अरब वर्ल्ड से मिल रहा. ये कितना पावरफुल आपके सामने एसेट्स हैं कि बर्मा से आपकी दो पड़ोस, हाँ, नागालैंड आपके करीब, चीन से आपकी दोस्ती, बॉर्डर ही करीब है ना, रूस भी वक्खन पेनिनसुला पे है, और आप इसमें से सिर्फ कचरा चूज करें. बोले नहीं यार, इसमें मजा नहीं आ रहा है, जरा मोहम्मद बिन कासिम को भेजना, जरा बोट कासिम बनाए जिसने आपकी पिटाई की, आपकी लड़कियां उठा के ले गया. वो कहते यार ये है हीरो, इसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी. किसी ने कहा था ना कि पाकिस्तान की बुनियाद मोहम्मद बिन कासिम ने रखी. द गाय केम टू किडनैप योर डॉटर्स, 20,000 वर सोल्ड इन डमास्कस, एंड आपने हीरो बना दिया पोर्ट कासिम. तो ये फौज की गलती नहीं है, ये बहाना है कि फौज को ब्लेम कर दें. अपने जहन में नहीं है, आज तक किसी ने कुरान प्रॉपर ऑर्डर में पढ़ा नहीं है, किसी को ये नहीं पता कि हदीस पे क्यों आप यकीन कर रहे हैं, ये दियोबंदी हैं कौन, किसी ने इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस नहीं की है, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि इस्लामी कानून क्या है और इस्लामी केस लॉ क्या है. लेकिन सर, अगर इनको इनको आप कह रहे हैं कि इनका कसूर नहीं है, तो फिर इनको कुछ बोल नहीं सकते, ये अपने प्लॉट बनाते जा रहे हैं, डीएचए बना रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं. हाँ, मतलब तो आपने इजाजत दी है ना, जंग कोई नहीं जीत रहे, बाकी सब है. भुट्टो साहब ने इजाजत दी है ना, भुट्टो साहब ने कहा अच्छा मुझे नहीं मारो, उन्होंने कहा अच्छा टेस्ट करके देख लेते, उनको भी मार दिया. जब आप अपना घर खुला छोड़ के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हर बच्चा एसएसबी का एग्जाम दे रहा है, हर वो बच्ची कह रही किसी अफसर से शादी हो जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी. मैंने तो ये लाइन भी सुनी कि इतने पढ़ने का क्या फायदा हो कि नौकरी करनी पड़े. क्या है, आप आर्मी को एलिवेट कर रहे हैं ना, वो तो नहीं कह रहे. ये आपने नहीं सुना है? तो हमारे तो कोई अजीब अजीब बातें करे तो लोग कहते पढ़ पढ़ के इसका दिमाग खराब हो गया, हमारे ये भी ना, ये बावला हो गया मेरे. मैं आपको एक अपनी फैमिली की बात बताऊं. Even when I was in college, I had about few hundred books of my own. जो मैंने पढ़ी थी. इस यहाँ पे भी जो कुछ पढ़ी हैं, वो 1970s की collection की हैं. Anyway, एक दिन मेरी माँ ने इतना घर में स्यापा डाला कि मेरे अब्बा ने सारी किताबें ली और वो घर नाजोबाद में रहते थे, घर के सामने पानी नहीं है, रह जाता है पडल, कई महीने में गरीबों के बच्चे खेलते. वो सारी किताबें ले जाके उसमें फेंक दी. एंड ही केम बैक एंड टोल्ड माय मदर, आर यू हैप्पी नाउ? शी सेड, चुप करके देख रही थी. एंड आई इट वाज माइंड बॉगलिंग टू मी कि रीडिंग बुक्स वुड बी अ कॉज फॉर एम्बैरेसमेंट फॉर माय मदर. कहते तेरा मामू इंजीनियर है ना, तू इंजीनियर बन जा बस. माल कहां से आता है उनको ये था, अकल कहां से आती है? नहीं छोड़ो यार, ये कहां से अकल के पीछे पड़ गए. मेरा बेटा किताबें पढ़ रहा, कोर्स के है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में तो 65 मिले से, और बाकी वो पढ़ रहा कार्ल मार्क्स की किताब, दास कैपिटल पढ़ रहा. स्यापा के नहीं, सारे स्यापे नु बाहर जाके सुटो फेंक दिए मेरे. उनको चिक चिक करती रहती थी. He was also a collector of books. उनकी भी मेरे पास दो चार पढ़ी हुई है. But it was a disrespect for reading. सारी वो किताबों की दुकानें जो एल्फिंसन स्ट्रीट पे थी, वहां वो बिक रहा है, फिश टैंक्स में
मैं जब लास्ट टाइम गया था तो बड़ी बड़ी गोल्डन किस्म की मच्छियां इधर से उधर, एक किताब भी नहीं थी। यहाँ भी यही हाल है। We are not a reading people. जिस मजहब का पहला वर्ड है इकरा, वो क्यों चेंज किया उन्होंने उसको? वो 96 सूरा कैसे बन गई? कभी किसी मौलवी साहब से पूछिएगा कि इकरा जो है ये 96 सूरत कैसे बन गई? सही। हाँ, क्योंकि रीड कहा है अल्लाह मियां ने, तो रीड करना तो मुश्किल होता है ना। किताब खरीदने में कौन लगेगा, पढ़ने में की टेंशन में डाला है यार। कह रहा है अल्लाह मियां, कह रहे पढ़ो, और हम हैं अनपढ़। और समझ के पढ़ो, ये भी कहा है समझ के पढ़ो, सिर्फ ये नहीं कि बस रीडिंग। नाम पे जिस हु क्रिएटेड यू आउट ऑफ अ क्लॉट ऑफ ब्लड इज अ फिनोमिनल रीड, फुल स्टॉप। रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड यू फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ब्लड। यार ये बात समझ में नहीं आ रही है, अल्लाह मियां कह रहे हैं कि पढ़ो, इसको यार हटाओ को पीछे डालो। दे चेंज इट एंड दे एक्सेप्ट इट। आपको कुरान कोई मिलेगा ही नहीं जिसके अंदर पहली सूरत वो हो। आप किसी मौलवी से पूछे किसने चेंज किया ये, ऐसे तड़प के बजाय। मेरे पास 1700s का कुरान है, जो नहीं अर्ली 1800s का, थॉमस जेफरसन के पास जो था, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आपके अमीर अली ने कुरान को ट्रांसलेट जो किया था वो न्यूमेरिकल ऑर्डर में किया था, बट ही डिडंट क्लेम दैट। ये सबको डर लगता है, इतना बड़ा झूठ आप सब मुसलमानों से कह रहे हैं कि ये है पहली सूरत, ये है वो, नहीं है भाई, क्यों झूठ बोल रहे हैं? उस्मान ने बदल दिया सबको। एनीवे नहीं बिल्कुल। और यहाँ पे इस्लामाबाद में भी ऐसा ही है कि बहुत सारी बुक शॉप्स जो है वो बंद हो गई है, वहाँ पे कबाब टिक्के मिलते हैं, लेकिन ओल्ड बुक्स थी वो भी खत्म हो गई, और ये होता हाँ। चला जा रहा है, और इसी वजह से शायद हम लोगों का ये हाल है कि हम जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह के मिनिस्टर्स आते हैं और जिस तरह के वो बातें करते हैं, उनका भी मतलब हालांकि वो कहाँ कहाँ से पढ़ के आए। मिनिस्टर्स को छोड़ दें, आपका वाहिद मुल्क है जहाँ किताबें वजन से बिकती हैं, 400 रुपए किलो, और आपका वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा औरतों को इंटीरियर डेकोरेशन का शौक है। वो जाती हैं और वो फिर सोफे का पैटर्न से मैच करती हुई बुक्स को, वो तरखान जो होता है ना उसे कहते भाई इससे सेट करके यूं कर देना। बोले बीबी इधर नीली किताबें ज्यादा अच्छी लगेंगी। अच्छा मेरे नीली बैकग्राउंड की तो नहीं है, तो अच्छा मैं 5 किलो और मंगवा लेती हूँ। दिस इज हाउ यू बाय बुक्स इन पाकिस्तान, इश्तिहार लगे हुए 400 रुपीज अ किलो। आपने कई दुनिया में देखा कि किताबें सब्जी की तरह बिकती, मूली ले लो, चावल ले लो, भिंडी ले लो, किताबें ले लो, ठेले पे चले। इसीलिए हमारा ये हाल है, और इसीलिए बांग्लादेश हमसे कहीं आगे बढ़ गया। वो तो खैर इनकी प्राइम मिनिस्टर को भी दें हाँ, बिल्कुल हाँ हाँ जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, खुदा हाफिज़, खुश रहिए, बाय। थैंक यू, बाय।